हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आलू मेथी की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेथी के गुणों के बारे में आप सभी को मालूम ही होगा, तो आज हम हरी हरी मेथी के पत्तों के साथ आलू की सब्जी बना के आपको दिखाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन के तैयार होता है और समय भी काफ़ी कम लगता है। तो फ्रेंड्स, आपने मेथी का भजिया पराठा तो खा ही लिया होगा, आज आलू की रेसिपी भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई ले लेंगे, गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, तीन होल मिर्च यानी कि सूखी लाल मिर्च। जीरा और मिर्च हल्का ब्राउन हो गया है, अब हम उसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज जिसे हमने छोटे छोटे काट लिया है। प्याज को हम तेल में अच्छे से भूनेंगे, यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। हमें चलाते हुए भूनना है। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है, सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे आलू। तो यहाँ पे हमने तीन बड़े बड़े आलू को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। पहले पील किया, फिर काटा, धो के हमने छान के रख लिया है। तो हम प्याज में इस आलू को छोड़ देंगे, क्योंकि आलू मेथी की सब्जी में आलू क्यूब्स में कटा हो तो बहुत ही सुंदर दिखता भी है और टेस्ट भी आता है। अब हम प्याज के साथ आलू को करीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। हमने आलू को प्याज के साथ 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। आप देख सकते हैं अच्छे से अपनी आलू जो है वो भून चुकी है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो मसाला में हम सबसे पहले धनिया डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं, एक ही चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक को हम ऐसे फैलाते हुए डाल देंगे। अब हम सारे स्पाइसेस को अच्छे से आलू के साथ मिक्स करेंगे। तो आपको पता ही है, जब हम मसाला डालते हैं तो फ्लेम को स्लो कर देते हैं, नहीं तो तेज फ्लेम पे मसाला ऐड करने पे मसाला जलने लगता है। आप देखिए मसाला डालने के बाद अपनी सब्जी की कलर कितनी सुंदर हो गई है। अब हमें क्या करना है, अपनी सब्जी को कवर करके 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है, यानी कि मसाले के साथ आलू को अच्छे से पका लेना है। फिर हम इसमें मेथी पत्ता ऐड करेंगे। तो चलिए हम एक बार आलू चेक कर लेते हैं। हम कवर को हटा लेंगे। आप देख सकते हैं अपनी आलू भी अच्छे से भून चुकी है और मसाला भी। तो हम जब मेथी आलू की सब्जी बनाते हैं तो आलू को पहले ही 80% कुक कर लेते हैं, क्योंकि मेथी के साथ हम जो 20% बचता है उसे कुक करेंगे। मेथी पत्ता को हमने 2 से 3 पानी से धो के इसे बारीक बारीक काट लिया है। तो अब हम इस पत्ता को सब्जी में डाल देंगे। और हम आलू के साथ इसे मिक्स करेंगे। अभी पत्ती दिखने में ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जब ये स्टीम से गलेगा तो बहुत थोड़ा हो जाता है, क्योंकि एकदम ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ हो तो बनने के बाद वो गल के बहुत कम दिखता है। तो हम आलू के साथ पत्तियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आलू की मेथी की सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी होती है। ठंडी के सीजन में आप इसे जरूर बना के देखिएगा, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। क्योंकि हम मेथी ड्राई तो यूज करते ही हैं कस्तूरी मेथी, लेकिन ताजी मेथी की सब्जी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेथी डालने के बाद हम सब्जी को 2 से 3 मिनट तक कवर करके पका लेंगे। चलिए हम एक बार फिर से सब्जी चेक कर लेते हैं। हम सबसे पहले कवर को हटा लेंगे। आप देख सकते हैं अपनी मेथी की पत्तियां जो है गल चुकी हैं, तो हम अब इसे मिक्स कर लेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की, हम अच्छे से आलू के साथ मेथी मिक्स करेंगे। तो ये आलू मेथी की सब्जी कितनी बढ़िया बनी है आप देख सकते हैं, पत्तियां बहुत जल्दी गल गई हैं। आपको मैं दिखा दे रही हूँ, ये आलू जो है इतना अच्छा से गला है, मेथी भी गल चुकी है। तो यहाँ पे अपनी सब्जी तैयार हो चुकी है। इसे बनाने में बहुत कम टाइम और बहुत कम इंग्रेडिएंट लगता है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इस सब्जी को आप चाहें तो गर्मा गर्म पूरी पराठे थेपला के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। तो चलिए हम गर्मा गर्म आलू मेथी की सब्जी सर्व करते हैं। आप इसका कलर देखिए, खुशबू तो आप बनाएंगे तो ही महसूस करेंगे। आलू मेथी की सब्जी बनकर तैयार है। आपने देख ही लिया इसे बनाना कितना आसान है, देखने में सुंदर, खाने में स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।